दिल्ली में दंगे की आग तो बुझ गई है, लेकिन इस आग में झुलसे लोगों में से कई के जख्म अब तक रिस रहे हैं। उन्हें शिकवा सिर्फ दंगाइयों से नहीं है, उन वर्दी वालों से भी है जो कथित तौर पर उन्हें बचाने का फर्ज भूलकर दंगाइयों के साथी बन गए। कवर स्टोरी में पीड़ितों के इन्हीं आरोपों के खास पड़ताल। दिल्ली दंगों का मामला आज संसद में भी उठा। लोकसभा में विपक्ष दंगों पर तुरंत चर्चा कराने की मांग कर रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 11 मार्च को चर्चा कराने की बात कही तो हंगामा शुरू हो गया। बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दिन की दूसरी तस्वीर दिल्ली पुलिस से जुड़ी है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान 24 फरवरी को एक हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख नाम के इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में पिछले 3 दशकों में हुए ये सबसे खतरनाक दंगे हैं। दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगातार लग रहे हैं। बीबीसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस बात के सबूत मिले हैं कि पुलिस ने मुसलमानों पर हमला करने वाले दंगाइयों का साथ दिया। दंगा प्रभावित ऐसे एक इलाके से देखिए बीबीसी संवाददाता योगिता लिमाय की रिपोर्ट। उन पर आम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पुलिस हिंदुओं के साथ खड़ी दिख रही है जो मुसलमानों पर पत्थर बरसा रहे हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली में शुरू हुई हिंसा के बाद लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। हम उस सड़क पर गए जहाँ ये वीडियो शूट किया गया। ये एक हिंदू बहुल इलाका है। आप थे क्या ये? हिमांशु राठौर ने हमें बताया कि कैसे पुलिस ने उनकी मदद की। उठा उठा के पब्लिक को दे रहे थे कि जब आपके लग रहा तो ये पकड़ो और आप भी मारो। यहाँ कोई पत्थर नहीं था, यहाँ पे वहाँ रोड टूटी हुई थी, नाला बना था तो वहाँ पत्थर। सड़क के दूसरी तरफ हमें एक मुसलमान का जला हुआ घर दिखा। पुलिस और दंगाई सब आ गए वहाँ से, सब आ गए। उन्होंने यहाँ पर आप दुकानें बंद करिए, मैं दुकान पे पर्दा डाल के ऊपर आ गया अपने छत पर। इधर आग लगा रहे थे, उधर से कार में आग लगाई, सब लगाई। तो यहाँ पे थे नीचे जब? हाँ यहाँ थे, यहीं इधर को भी आ गए थे। इस जगह पे जो घटना हुई उसको हम इन्वेस्टिगेट कर पाए हैं, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने हमको ये बोला है कि पुलिस वालों ने हिंदू दंगाइयों के साथ मिलकर हमले किए या फिर उनको नज़रअंदाज किया और मुसलमानों पर ज्यादती की। इस वीडियो में एक मुसलमान को पुलिस पीट रही है, 2 दिन बाद उसकी मौत हुई। फैजान 23 साल के थे। दूसरे वीडियो में वो 4 अन्य लोगों के साथ बहुत बेहोशी की हालत में दिख रहे हैं। उनमें से कुछ से जबरदस्ती राष्ट्रगान गाने को कहा जा रहा है। घायल पड़े लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम भी आप लोगों की तरह ही भारतीय हैं। जब हम फैजान के घर पहुंचे तो उन्हें सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही थी। उससे न खड़ा हो जा रहा था, न ही एक जगह लेटा जा रहा था, न ही एक जगह बैठा जा रहा था। वो परेशान था मेरा भाई बहुत ज्यादा। मेरा भाई बहुत ज्यादा परेशान था। नहीं, ये भी तो बता, ब्लीडिंग हुई थी कि नहीं? उसको कोई ऐसे मारे जो शार्प चीज से मारा? पूरे शरीर में नील पड़ा हुआ था उसके, और ऐसी ऐसी जगह मारा था बस पतला। रफीक को भी फैजान के साथ ही पीटा गया। उनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां घाव ना हो। सर कभी कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा। दिल्ली पुलिस ने इन वीडियो के ऊपर बीबीसी ने जो प्रश्न भेजे उनका जवाब नहीं दिया। हिंसा ने दिल्ली में दोनों समुदायों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है, लेकिन इसका असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। मुसलमानों के बीच असुरक्षता की भावना पैदा हो गई है। योगिता लिमय, बीबीसी हिंदी। दंगों का दर्द किसी एक ने नहीं झेला है, दोनों ही समुदायों के लोगों की तकलीफें बेशुमार हैं। दंगा प्रभावित इलाके में रहने वाले बीर सहाय की भी यही कहानी है। उनके 15 बरस के बेटे 23 फरवरी को किसी काम से घर से निकले और तब से आप वापस नहीं आए। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
दंगाइयों की लगाई आग बुझ चुकी है, लेकिन दिल्ली के आंसू और सिसकियां हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस परिवार को 15 बरस के अपने लाडले धर्मेंद्र की वापसी का इंतजार है। धर्मेंद्र 23 फरवरी को चावल खरीदने घर से निकले थे। हम लोग कोई घर पे नहीं थे, ये ड्यूटी चले गए, हम लोग भी थोड़े बाहर चले गए थे, घर पे कोई नहीं था। तो फिर बच्चों के साथ घूमने निकला तो छोटे बच्चों से बोल गया अभी आ रहा हूँ, फिर वापस नहीं आया। दंगों में झुलसते रहे चांदबाग और मुस्तफाबाद से बीर सराय का घर ज्यादा दूर नहीं है। दंगे के निशान यहाँ आज भी ताजा हैं। धर्मेंद्र को लापता हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। उनके पिता बीर सहाय बेटे की जानकारी जुटाने अस्पताल गए तो हम भी साथ में थे। सब कुछ गया सर, कोई वो नहीं मिला है। मोर्चरी में गए हैं और अस्पताल में भी गए हैं और कहीं कोई सुराग नहीं मिला। धर्मेंद्र की माँ कमलेश अपाहिज हैं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और बीते एक हफ्ते के दौरान कई बार बेहोश हो चुकी हैं। हमारा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, भी नहीं है, किसी ने कैद कर रखा, जहाँ भी है मेरा बच्चा वापस आ जाना चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ आशंका बढ़ रही है, लेकिन पिता को भरोसा है कि धर्मेंद्र लौटेगा, आज नहीं तो कल। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली। लेकिन दिल्ली की हर तस्वीर इतनी स्याह नहीं है। दंगे के दौरान कई दिलों में दरार दिखी तो दिल्ली ने कई दिलवालों को भी देखा। इनमें से एक है दिल्ली का वो सिख परिवार जिसने कई मुसलमानों की जान बचाई। BBC संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने पीड़ितों और उन्हें बचाने वाले मोहिंदर सिंह से मुलाकात की। और किसी ने हिम्मत नहीं करी छोड़ के आने की। सरदार जी और उनके बेटे ने बाइक को बिठा बिठा के हमें छोड़ा, सबकी जान बचाई उन्होंने। अगर सरदार जी हेल्प लगे तो सब नीलामी ना हो। असी नहीं देखते सी कि ये मुसलमान हैगे, असी सिर्फ इंसानियत इन्हां दे विच देखी। वो छोटे छोटे बच्चे मासूम देखे सानू। 1984 दे विच मैं तकरीबन 16-17 साल की मेरी उम्र सी, असी वह मंजर भी देखिया है। ये माहौल दोबारा वो ही मंजर साडा ताज़ा हो गया, वो यादा साडे सामने आ गई। और अब उन दो लोगों की बात भी जिनके चेहरे साल 2002 के गुजरात में हुए दंगों के दौरान चर्चा में रहे थे। यह है कुतुबुद्दीन अंसारी और अशोक मोची। सुनिए दिल्ली के दंगों पर उनके मन की बात। सब समझते हैं या फिर क्यों ऐसा हो रहा है, सब समझते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमको इसकी समझ ही नहीं है। दिल्ली के जो दंगे हैं वो पॉलिटिकल प्लान ही हुए हैं। आम जनता को दंगे में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज का हो। ये दोनों तो दंगों का दर्द भुलाकर दोस्त बन गए, पर दिल्ली के दंगों को भुलाने में वक्त लगेगा।